पहले तो नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम हर्षित वशिष्ठ है, मैं महेंद्रगढ़ हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो आज कैसी प्रिपरेशन है आपकी सीमेट की? सर प्रिपरेशन एवरेज है सर। कहीं से तैयारी करी है? सर तैयारी नहीं की सर, सेल्फ स्टडी से हुआ है जो भी। सेल्फ स्टडी जी सर। तो आज क्या उम्मीद करो, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में? सर बेसिकली सर मैं CGL की तैयारी कर रहा हूँ, CGL एस्पिरेंट हूँ सर। मैंने देखा कि ये इससे ही रिलेटेड है, इसका सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर ही है CGL से, तो सर मैं और उस हिसाब से। पेपर के लिए कोई स्ट्रेटजी आज के पेपर के लिए? स्ट्रेटजी सर वही है जो पढ़ा है सर, उसी पे ही टिक करना है बस। अच्छा, हिट टू द राइट टारगेट। आपने वो एंटरप्रेन्योरशिप वाले के लिए सेक्शन के लिए है? वो सर वो मैंने ऐड नहीं किया है, वो कुछ नया था, क्या था वो कुछ पता नहीं था उसके बारे में, इतना जानकारी नहीं थी, तो जो था नॉर्मल मैंने वही भरा है। कोई कॉलेज आपने भी स्कूल के लिए टारगेट किया होगा? कॉलेज सर टारगेट तो नहीं किया है, पर पहले सर मैं टेस्ट दूंगा, उसके हिसाब से जो परसेंटाइल जो रिजल्ट आता है उस हिसाब से मैं देखता हूँ कौन से जो मुझे बेस्ट कॉलेज मिलेगा उसके हिसाब से वो लूँगा। तो अभी NTA ने बहुत जल्दी कम टाइम समय में एग्जाम का डेट निकाल दिया है। जी सर ये तो एक कंसर्न तो है ही सर बच्चों के लिए, अब जैसे कि कोई बात नहीं, हम तो चलो पास में ही हम तो आ गए, पर जो दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं उनके लिए डेफिनेटली एक कंसर्न तो है ही सर ये। सबसे पहले तो नाम बता दीजिए अपना। अंकुश। अंकुश, तो CMAT के लिए कैसी तैयारी है आपकी? लगभग मीडियम सी तैयारी है। अच्छा, तो कहीं से तैयारी नहीं करी? कुछ नहीं, कहीं से कोई तैयारी नहीं करी, खुद से तैयारी करी, खुद से तैयारी करी जितनी। तो आज क्या लग रहा है किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं? CMAT के लिए ये कहा जाता है कि थोड़ा सा मीडियम लेवल का पेपर होता है। हाँ। और इतने हार्ड एंड फास्ट मतलब लेवल 2 के क्वेश्चंस आते हैं, ना बेसिक्स आते हैं ना ज़्यादा हार्ड आते हैं, लेवल 2 के क्वेश्चंस आते हैं। तो CMAT में इस बार एक और सेक्शन ऐड हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ, तो उसके लिए आपने किया है? हाँ जी। उस सेक्शन के लिए भी किया जी है? तो उस सेक्शन में किस तरह के क्वेश्चंस आप उम्मीद कर रहे हैं? ये जो आते जाते एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं ना, जैसे जितनी भी कंपनियां आई हैं या उन्होंने क्या चीज़ फेस करी है या किस तरीके के आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं हम, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पेपर है, बहुत अच्छा सुझाव है एंटरप्रेन्योरशिप डालना ताकि बच्चे इसके बारे में भी सोचें। तो इसके लिए अभी आपने कहीं से तैयारी नहीं करी है? खुद से इसके लिए नॉर्मल जितने भी बिजनेस वाले चीज़ें हैं वो सब पढ़ी हैं। अच्छा, कि स्टार्टअप्स वगैरह किस तरीके से चलते हैं, क्या आइडिया की नीड होती है, किसको कहाँ से सीड फंडिंग क्या होती है, इस तरह के बेसिक्स कॉन्सेप्ट की मैं उम्मीद कर रहा हूँ, बाकी देखो। और इसमें आपको क्या लगता है, मतलब जैसे अभी है ना कि आप कोई कॉलेज एम कर रहे होंगे कि कितना स्कोर करने के बाद? आई एम नॉट एमिंग फॉर एनीथिंग। अच्छा, और NTA का ये जो शॉर्ट टर्म में आ गया बड़ा एग्जाम का डेट, तो इस पर आपको क्या लगता है? शॉर्ट टर्म में तो भाई कैसे आया है, मतलब हमें पता था जनवरी में आने वाला, वो पोस्टपोन हुआ है। हाँ। तो फिर हमारे लिए तो वो जनवरी में भी होना ही था, तो आज हो जाए क्या दिक्कत है। सबसे पहले तो नाम बता दीजिए आप। माई नेम इज़ अखिल गोयल। कहाँ से हैं आप? आई एम फ्रॉम हरियाणा, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, तो CMAT के लिए कैसी तैयारी है आपकी? एवरेज है। तो कहीं से तैयारी करी है या फिर? हाँ, सेल्फ स्टडी ऑनलाइन है, इंडिया बिक्स और एनी अदर साइट्स है, सवाल.com वगैरह। बाकी प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनके लिए भी प्रिपरेशन करी है मैंने क्रैक्यू से। और बस इस बार एग्जाम में क्या लगता है डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा CMAT का? लास्ट ईयर के कंपैरिजन करूँ तो मुझे तो इस बार इजी ही लग रहा है, क्योंकि बाकी एग्ज़ाम मैंने दिए जैसे कैट दिया था और कैट ही दिया था मैंने, तो उसमें भी इतना हार्ड नहीं था, बस क्वांट्स का सेक्शन और वर्बल सेक्शन तो इजी थे, बट LR का सेक्शन डिफ़िकल्ट था और जो कि इसमें होता नहीं है CMAT में, तो मुझे लगता है कि इस बार इजी होने वाला है पेपर। कोई स्ट्रेटजी है एग्ज़ाम के लिए कि किस तरह से पेपर को सॉल्व करना है, मतलब कौन सा सेक्शन पहले उठाना है, किस टॉपिक के क्वेश्चंस पहले सॉल्व करना है, इस तरह की कोई प्लानिंग? आई विल पिक फर्स्ट GK, देन क्वांट, देन वर्बल, देन LR, बिकॉज GK इज़ द मोस्ट टिपिकल पार्ट इन दिस। अगर GK क्रैक हो गया तो फिर बाकी सेक्शन तो हो ही जाएंगे अपने आप। दैट्स व्हाई। तो अभी आप कोई कॉलेज को एम कर रहे हैं, मतलब चाहे एडमिशन लेना चाहते हैं जिसके लिए आप स्कूल एग्जाम में बैठ रहे हैं? आई विल चूज़ NL डालमिया बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन फाइनेंस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर अदर टॉप कॉलेजेस विच इंक्लूड CMAT, लाइक KG सोमाया एंड वेलिंगर स्कूल मुंबई। सो अभी NTA ने थोड़ा टाइम, मतलब बहुत कम समय में एग्ज़ाम का डेट निकाल दिया,
इससे आपको किसी तरह की परेशानी हुई? नो, बिकॉज मेरा एम तो खुद ही सीमेट था। अच्छा। कैट के बाद तो मैं तो वेट ही कर रहा था कि कब होगा पेपर।